हेलो दोस्तों, आपका स्वागत करता हूँ संगम इलेक्ट्रॉनिक चैनल में। मैं आपका दोस्त एप के, मेरे पास एक और पीस भी आया है दोस्तों रिपेयरिंग के लिए। यहाँ पीस भी को देख सकते हो, चाइना मॉड्यूल लगा है और इसका बेस पतला पिन वाला है। तो इसे मैं आप लोगों को रिपेयर करके दिखाऊंगा। इसमें का परेशानी है, जब टीवी को चालू करते हैं तो चालू नहीं हो रहा है, इस कारण से मेरे पास रिपेयर के लिए लाए हैं। इस पीसीबी को मैं 220 वोल्ट एसी लाइन में कनेक्ट करके दिखाऊंगा इसमें क्या प्रॉब्लम है। मैं पावर को ऑन कर लिया हूं दोस्तों, मल्टीमीटर को एसी 600 वोल्ट रेंज में रख दिया हूं और सबसे पहले चेक करेंगे इस वाले मेन वायर को 230 वोल्ट आना चाहिए, क्योंकि घर का वोल्टा रहता है 230 वोल्ट, इसमें चेक करेंगे। मल्टीमीटर को देख सकते हो 233.34 बता रहा है, यानी कि इसमें लाइन आ रहा है। उसके बाद चेक करेंगे यहाँ पर फ्यूज लगा है, फ्यूज में भी आ रहा है 233 वोल्ट। उसके बाद यहाँ पर कॉइल लगा है, इसमें भी 233 वोल्ट आ रहा है, ये भी ठीक है। उसके बाद इस मेन फिल्टर में चेक करेंगे 300 वोल्ट आना चाहिए। मल्टीमीटर को डीसी 600 वोल्ट रेंज में रख देना है। उसके बाद इसमें चेक करेंगे, देख सकते हो दोस्तों मल्टीमीटर को 300 वोल्ट आ रहा है, यानी कि यह सप्लाई ठीक है। प्राइमरी भाग का सप्लाई ठीक है तो सेकेंडरी भाग को चेक करेंगे। उसके बाद सेकेंडरी भाग को चेक करेंगे, 110 वोल्ट आना चाहिए 110 डायोड में, ये हो गया। यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों 110 वोल्ट नहीं बता रहा है 110 डायोड में, इसमें कोई रीडिंग शो नहीं कर रहा है। उसके बाद ये हो गया वर्टिकल आईसी का, वर्टिकल आईसी में 30 वोल्ट बता रहा है, और ये हो गया 12 वोल्ट, 12 वोल्ट में कोई वोल्ट नहीं बता रहा है। उसके बाद ये साउंड आईसी का हो गया 71 वोल्ट बता रहा है, साउंड आईसी में 18 बताना चाहिए जबकि इसमें 70-71 बता रहा है, तो इसमें कहीं पर शॉर्टिंग होगा इस कारण से बता रहे हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे, सबसे पहले इस वाले डायोड को चेक करेंगे कहीं पर शॉर्टिंग है कि नहीं। इसके पावर को मैं बंद कर देता हूँ और मल्टीमीटर को बजर मोड में रख देंगे और चेक करेंगे इसमें पिप का साउंड आ रहा है कि नहीं। सुन सकते हो दोस्तों पिप का साउंड आ रहा है, तो यहाँ पर इस वाले डायोड को चेक करेंगे क्योंकि इसमें 110 वोल्ट नहीं बता रहा है। यहाँ पर सुन सकते हो दोस्तों इस वाले डायोड में पिप का साउंड आ रहा है, यानी कि प्रॉब्लम यहीं पर होगा। दोनों पार चेक कर रहे हैं इस डायोड में तो पिप का साउंड आ रहा है, और यहाँ पर आउटपुट में लगा रहता है ट्रांजिस्टर, इसको चेक करेंगे इसमें भी पिप का साउंड आ रहा है, यहाँ पर सुन सकते हो। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले ये डायोड को ओपन करके देखूँगा, एक तो ये वाला डायोड होगा शॉर्टिंग, नहीं तो ये होगा। और यहाँ पर पिप भी लगा रहता है, इसका शॉर्टिंग हो जाने के कारण भी यहाँ प्रॉब्लम आता है। चलिए मैं एक एक करके चेक करके आप लोगों को दिखाता हूं दोस्तों। सबसे पहले मैं इस वाले ट्रांजिस्टर को निकाल दूंगा, उसके बाद एक एक करके बारीकी से चेक करेंगे दोस्तों, क्योंकि यह ट्रांजिस्टर भी शॉर्टिंग बता रहा है। तो मैं इसे सबसे पहले निकाल दूंगा, उसके बाद चेक करेंगे 110 वोल्ट आता है कि नहीं, क्योंकि यह ट्रांजिस्टर शॉर्ट हो जाने के कारण यहाँ परेशानी देखने को मिलता है। चलिए इसे मैं जल्दी से निकाल देता हूँ। इसी प्रकार इस ट्रांजिस्टर को निकाल लेना है सोल्डिंग आयरन से मदद से। मैं इस तीन टांग वाले ट्रांजिस्टर को निकाल देता हूँ, इसी प्रकार निकाल लेना है दोस्तों, बहुत आसानी से निकल जाता है। मैं ट्रांजिस्टर को निकाल लिया हूँ,
इसका नंबर है MD 1803, देख सकते हो इसका नंबर है। इसे मैं सबसे पहले मल्टीमीटर से चेक करूंगा, बाजार मोड में रख देना है मल्टीमीटर को और देखेंगे यहाँ ट्रांजिस्टर स्टार्टिंग है कि नहीं। इस ट्रांजिस्टर को देख सकते हो दोस्तों, पिप का साउंड नहीं आ रहा है। जबकि तीनों टांगों में पिप का साउंड आना चाहिए। इसमें पिप का साउंड नहीं आ रहा है। चलिए मैं 110 वोल्ट चेक करके दिखाता हूँ। मल्टीमीटर को 200 वोल्ट रेंज में रख देंगे। एक बार मैं आप लोगों को इस 110 डायोड को चेक करके दिखाता हूँ। मल्टीमीटर को सुन सकते हो दोस्तों, पीप का साउंड आ रहा है पलटने पर भी, और यहाँ पर पीएफ लगा है इसमें भी पीप का साउंड आ रहा है। इसमें एक तो डायोड शॉर्ट हुआ होगा, नहीं तो ये पीएफ दोनों में से एक शॉर्ट हुआ होगा, इस कारण से पीप का साउंड आ रहा है और 110 वोल्ट नहीं बन पा रहे हैं। तो मैं इस वाले डायोड को ओपन करके चेक करके आप लोगों को दिखाता हूं दोस्तों। इस 110 डायोड को निकाल लेंगे। इसे मैं निकाल लिया हूं दोस्तों, ये हो गया 110 डायोड। इसका वैल्यू है 207। इसे मैं आप लोगों को मल्टीमीटर से चेक करके दिखाता हूं। यहाँ पर सुन सकते हो दोस्तों मल्टीमीटर को, पीप का साउंड आ रहा है। इस पार भी पलट देंगे, दोनों पार पीप का साउंड आ रहा है, यानी कि यहाँ डायोड खराब हो चुका है। इसके जगह में मैं नया डायोड लगा दूंगा। उसके बाद यहाँ पर पीएफ लगाए उसे चेक करते हैं। इसमें अब बजर का साउंड नहीं आ रहा है, यानी कि आप पीएफ ठीक है। ये वाले डायोड खराब हो चुका है, इसे मैं नया चेंज कर दूंगा। मैं इस नया 207 नंबर के डायोड को लगा दूंगा। चलिए इसे मैं आप लोगों को लगाकर दिखाता हूं। नया डायोड को जैसे लगे थे वैसे सेम लगा देना है, माइनस को माइनस प्लस को प्लस। इस तरह लगा देना है दोस्तों। उसके बाद इसे मैं सोल्डिंग कर दूंगा। सोल्डिंग कर लिया हूं, इस पार को भी कर लेंगे। इसी तरह आप लोग भी स्टेप बाय स्टेप रिपेयर कर सकते हो। मैं पावर को ऑन कर लिया हूँ। इस 110 डायोड में 110 वोल्ट चेक करेंगे। यहाँ पर देख सकते हो मल्टीमीटर को 113 वोल्ट बता रहा है, ये भी ठीक है। उसके बाद ये हो गया वर्टिकल आईसी का 26 वोल्ट, ये भी ठीक है। इसमें 113 वोल्ट आ रहा है, तो क्या करेंगे दोस्तों, इसमें कमाए ट्रांजिस्टर निकाला था इस वाला, इसको लगा देंगे जैसे लगे थे वैसे। इसका डायोड शॉर्ट हो गया था, इस कारण से 110 वोल्ट नहीं बन रहे थे। अब 110 वोल्ट बन रहे हैं,
तो मैं इस वाले ट्रांजिस्टर को निकाला था उसको मैं लगा दूंगा 1803 को। मैं पुराने ट्रांजिस्टर को लगा लिया हूँ, एक बार चालू करके दिखाता हूँ। मैं चालू कर लिया हूँ दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हो लाइट बंद चालू हो रहा है, यानी कि यहाँ ट्रांजिस्टर भी ख़राब हो गया है, इसे भी चेंज कर देंगे। मैं पुराने ट्रांजिस्टर को निकाल लिया हूँ दोस्तों, इसका वैल्यू है 1803। इसे मैं आप लोगों को मल्टीमीटर से चेक करके दिखाता हूँ। मल्टीमीटर को बजर मोड में रख दिया हूँ और चेक करेंगे इस लास्ट वाले टांग में कितना बता रहा है, 61 बता रहा है, यहाँ बिल्कुल ठीक है। उसके बाद बीच वाले में कोई रीडिंग नहीं बताना चाहिए, यहाँ पर देख सकते हो इसमें भी 61 बता रहा है, यानी कि यहाँ ट्रांजिस्टर ख़राब हो गया है। इसकी जगह में मैं इस वाले नए ट्रांजिस्टर को लगा दूंगा, इसे भी चेक करके दिखाता हूँ दोस्तों। देख सकते हो इसमें 55 बता रहा है और बीच में कोई रीडिंग शो नहीं करना चाहिए, यहाँ पर देख सकते हो बीच में कोई रीडिंग शो नहीं कर रहा है, यानी कि यहाँ ठीक है। इसे मैं लगा देता हूँ। मैं नए ट्रांजिस्टर को लगा दिया हूँ, इसमें हल्के से पेस्ट लगा देंगे और सोल्डिंग आयरन से सोल्डिंग कर देंगे। उसके बाद चालू करके देखेंगे, इस पीस भी सही हो जाना चाहिए दोस्तों। इसी तरह सोल्डिंग कर देना है। चलिए मैं आप लोगों को चालू करके दिखाता हूँ हमारे पीस भी सही हुआ कि नहीं, देखेंगे। पावर को ऑन कर लिया हूँ, इसमें देखेंगे 109 वोल्ट आ गया, ये भी ठीक है। और ये हो गया वाटिकल आईसी का 25 वोल्ट, ये भी। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे 180 वोल्ट आना चाहिए, 144 आ रहा है, 46 आ रहा है, ये भी ठीक है। उसके बाद मैं आप लोगों को हीटर का दिखाता हूँ दोस्तों। ये हो गया एच लिखा है हीटर का, 3.0 हीटर को देख सकते हो, 3 वोल्ट आ रहा है, ये भी ठीक है। और मैं आप लोगों को ESD बन रहा है कि नहीं दिखाता हूँ, टेस्टर को इस तरह। ESD भी बन गया है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हो टेस्टर को जल रहा है। इसी प्रकार आप लोगों को रिपेयर करना है। यहाँ पीस भी चालू हो गया है, इसे मैं अपने दोस्त को दे दूँगा, वहाँ टीवी में ले जाकर फिट कर देगा। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक बनता है।